गाइज हम लोग जस्ट अभी सदर आए हुए थे, तो ये बस आपकी वीडियो शूट करने के लिए खटी मीठी हम लोगों ने एक मोबाइल लिया है और उसी को नेक्स्ट दुकान में जाके बेचा है। हम लोगों ने मोबाइल लिया 1.5 का, डब्बा खुलते सारी भाई वो उसकी कीमत दड़म नीचे, और उसको हम लोगों ने सामने वाली दुकान पे जाके बेचा है 98 का। वो बंदा मान ही नहीं रहा था, 98 का हमने बेचा। और अभी हम लोगों ने अपने ड्राइवर को भेजा, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने प्लास है, नीचे सामने दुकान थी। अभी हमने अपने ड्राइवर को भेजा कि वो जाके रेट पता करके आए। अभी हमने उन्हें तो 97 का नया बेच दिया है, 98 का, तो वो अभी अगले कस्टमर को कितने का बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पे हेरा फेरी है। तो अभी जो है ना हम लोग मोबाइल मार्केट को एक्सपोज करने वाले हैं, तो ड्राइवर का वेट करते हैं, उन्हें हमने भेजा है ताकि हम लोग जाएंगे तो उन्हें पता है कि इन्होंने बेचा है। तो अभी ड्राइवर को भेजा है, उधर रेट पता करके आता है, अभी बताते हैं आपको। वो ड्राइवर आ रहा है हमारा, इसको हमने जरा भेजा था पता करने के लिए। तो काम तो कितने का कह रहा था? 22 फाइनल लास्ट। 25 एक 22 एक 25 एक 25 बोला मेरे 22 का है। ओ भैंस की दो। ओए 98 का उसे दे के आए हैं। ये नहीं, वो एक और दोस्त का था। देखे कितनी बड़ी फ्लॉप मार्केट है यार, कसम से क्या बताऊं। कितने आपने कितने के दिए? 98 का वो बंदा बेच के आया, मेरे सामने मान ही नहीं रहते। शाम को गाड़ी की पेमेंट करनी है। सो गाइस यहाँ पे हमारी सुनो फुल स्टोरी। हम लोगों ने एक मोबाइल लिया है सिंगापुर प्लाजा से, और उस मोबाइल को अनबॉक्स करने के बाद हम लोगों ने उसको नेक्स्ट दुकान पे जाके सेल किया। 98,000 का मोबाइल हमने 1,20,000 का लिया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोबाइल था, वारंटी में था और बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ हुआ था। हम लोगों ने उसको साथ वाली दुकान में जाके 98 का बेच दिया है, और फिर हम लोग उस दुकान से चले गए। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने अपने ड्राइवर को आधे घंटे बाद उस दुकान में भेजा कि जाके वो मोबाइल की प्राइस पता करके आए, क्योंकि अगर हम लोग जाते तो उन्हें पता चल जाता। तो उससे हम लोगों ने सारा बहुत पहले ही बता दिया था कि ये वाला मोबाइल है, ऐसे ऐसे सब कुछ। तो वो जब उधर गया है तो उसने उनसे पूछा है, मोबाइल उनके पास सिर्फ 1A ही वो सेट पड़ा हुआ था। तो जब उन्होंने उससे पूछा है तो उन्होंने मतलब उसको प्राइस हमारे से 98 का ले कि उन्हें उसे प्राइस 125 बताई है, और वो भी बहुत फिल्में कहानियाँ डालने के बाद उसे प्राइस बताई है कि हम लोगों ने किसी गाड़ी की शाम को पेमेंट करनी है, वरना हम लोगों ने 130 से नीचे का मोबाइल नहीं देना था, तो 125 लास्ट है। तो ड्राइवर ने उनकी बहुत मिनतें वगैरह मिनतें तरले की हैं, तो उन्होंने फिर 122 का लास्ट बोला है। तो ये देख लें, ये वीडियो बस मैंने गाइडेंस पर्पज़ के लिए बनाई है कि आप मोबाइल लेते कितने के हैं, और जब उसे बेचने जाते हैं तो आप बेच तो देते हैं, लेकिन वो बेचते हैं आप तो उसमें से वो लोग अपना प्रॉफिट कितना रखते हैं। तो ये वीडियो बस एक गाइडेंस के लिए थी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने, और अपनी थॉट्स भी कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल, टेक केयर, पीस आउट, खट्टी मीठी। और दोस्तों अगर आप लोगों में से किसी को मोबाइल चाहिए तो आप इस मोबाइल शॉप पे जाओ, एक्सेस मोबाइल, और इस मोबाइल शॉप से आप मोबाइल लो, आपको चीप प्राइस में मोबाइल मिलेंगे, और आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ ये थी आज की छोटी सी वीडियो। दैट्स ऑल, टेक केयर, पीस आउट।